वेलकम स्टूडेंट्स टू आर चैनल गुरु सच्चात। और आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं डुएस डायरेक्टेड की एक नई वीडियो। इससे पहले हमने अपने चैनल पे डुएस डायरेक्टेड के 5 वीडियोस के 5 अलग अलग पार्ट्स डाले थे, जिसमें हर एक वीडियो में हमने 30 एक्सरसाइजेस सॉल्व किए हैं। इन सारी वीडियोज़ में हम आपको ये बताएंगे कि डुएस डायरेक्टेड जो इंग्लिश और ग्रामर की बहुत ही टफ टॉपिक है, कैसे आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और हर एक्सरसाइज को सॉल्व करने में क्या रूल्स और रेगुलेशन लगेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप तुरंत जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आई एम नॉट एज लार्ज एज यू, मैं उतना बड़ा नहीं हूँ जितने तुम बड़े हो। चेंज द डिग्री, यहाँ हमें डिग्री चेंज करनी है। यू आर लार्जर देन मी, तुम मुझसे बड़े हो। यहाँ फर्स्ट में नॉर्मल फॉर्म था, सेकेंड जो हमारा आंसर है वहाँ हमने कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ डिग्री यूज़ की है। He said, let him speak first. Change the mode of narration. उसने कहा उसे पहले बोलने दो। इसमें हमें mode of narration change करनी है। He suggested that we should allow the man to speak first. उसने ये सुझाव दिया कि हम इस इंसान को बोलने का मौका दें पहले। I don't know when he departed. मुझे नहीं पता कब वो डिपार्ट हुआ। टर्न इन टू अ सिंपल सेंटेंस। आई डोंट नो द टाइम ऑफ हिज डिपार्चर, मुझे नहीं पता उसके डिपार्चर का टाइम। डू और डाई, टर्न इन टू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इफ यू डू नॉट डू यू विल डाई, अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो तुम मारे जाओगे। वन ऑफ माई अर्लीस्ट मेमोरीज इज फ्लाइंग काइट्स फ्रॉम द रूफ। मेरी सबसे पुरानी मेमोरी ये है कि मैं पतंग उड़ाता था अपने छत से। Use a positive degree of adjective. Adjective की एक positive degree हमें यहाँ use करनी है। Very few memories of mine are as early as that of flying kites from the roof. मुझे जो memory सबसे पुरानी याद है वो ये है कि मैं पतंग उड़ाता था अपनी छत से। How could you do it? Change the voice. तुम ये कैसे कर सकते हो? How could it be done by you? ये तुमने कैसे किया? The mind is fearless. Rewrite the sentence using fear. The mind has no fear. इस दिमाग में कोई भी खौफ नहीं है। Wise is he who keeps quiet. समझदार है वो जो चुप रहता है। Turn into a simple sentence. इसे एक simple sentence में हमें change करना है। A wise man keeps quiet. एक समझदार इंसान हमेशा चुप रहता है। My mother said to me, May you have peace and prosperity in your life. मेरी माँ ने कहा, आशा करती हूँ तुम्हारे ज़िंदगी में सुख और शांति हो। Change the mode of narration. My mother wished that I might have peace and prosperity in my life. मेरी माँ ने ये आशा की कि मुझे सुख और शांति मिले मेरे जीवन में। How was the problem solved? Change the voice. ये problem कैसे solve हुई? हमें voice change करनी है। How did you solve the problem? तुमने ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया? No river in India is as large as Ganga. Make it affirmative. इसमें हमें इसे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। कोई भी रिवर इंडिया में नहीं है गंगा जितना बड़ा। गंगा इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द इंडिया। यहाँ अगर आप एक अलग तरीके से देखें तो यहाँ डिग्री भी चेंज हो रही है। पहले कंपैरेटिव था, अब यहाँ आंसर में हम उसे सुपरलेटिव कर रहे हैं। गंगा इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। This pen is smoother than all others. ये पेन अच्छा चलता है, स्मूथ चलता है बाकियों पेन से। Change the degree of adjective. यहाँ comparative है। This pen is the smoothest of all. यहाँ हमें superlative में लिखा है, ये पेन सबसे स्मूथ है। How cruel he is, said the little boy. Change the mode of narration. कितना क्रूर है ये इंसान, छोटे बच्चे ने कहा। इसमें भी हमें narration का mode change करना है। The little boy exclaimed that he was very cruel. इस छोटे बच्चे ने ये जताया कि ये इंसान बड़ा ही क्रूर है। There is no smoke without fire. बिना धुएं के कोई आग नहीं होती। Change into positive. हमें इसे पॉजिटिव में चेंज करना है। Where there is smoke, there is fire. हमने इससे no को रिमूव कर दिया, पॉजिटिव इस तरीके से हमने इसे बनाया। जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होती है। The time of examination has changed. Ritesh knew it. Join into a complex sentence. Examination की time change हो गई है, रितेश को पता था। इन दोनों को हमें join करना है।
रितेश न्यू दैट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन हैज बीन चेंज. रितेश जानता था कि एग्जाम की टाइम चेंज हो गई है. द बस स्टॉप्ड एंड टू वुमेन एंड अ मैन गॉट इन टुगेदर टर्न इन टू अ सिंपल सेंटेंस. बस रुकी, दो औरत और एक मर्द बस में चढ़े एक साथ. After the stopping of the bus, two women and a man got in together. Bus ke rukte hi do mahilaen aur ek mard bus mein ek saath chadhe. How happy we are here. Make it an assertive sentence. We are very happy here. Hum log yahan bahut khush hain. Never tell a lie. Kabhi jhoot nahi bolna. Make it affirmative. Ise ek affirmative sentence banana hai. Always speak the truth. Hamesha sach bolo. This is the darkest evening of the year. Ye saal ki sabse dark evening hai. Rewrite into positive degree. No other evening of the year is as dark as this. Is saal ki koi bhi sham itni dark nahi thi. The sum is very easy. Anyone can do it. Ye sum bahut aasan hai. Koi bhi ise kar sakta hai. Join using two. TOO जब भी हम यूज़ करते हैं तो इसके साथ TO2 भी हमें यूज़ करनी पड़ती है. द सम इज़ टू ईजी टू डू इट. ये सम इतना ईजी है कि कोई भी इसे कर सकता है. द कोच सेट द प्लेयर्स ब्रावो यू हैव प्लेड वेल. कोच ने खिलाड़ियों से कहा शाबाश तुम लोग ने बहुत अच्छा खेला. चेंज इन टू इनडायरेक्ट स्पीच. कोच अपलोडेड द प्लेयर्स सेइंग दैट दे हैड प्लेड वेल. कोच ने प्रशंसा की खिलाड़ियों की कि वो बड़े अच्छे से खेले. By this time next year, Dia will be attending her university classes. इसी समय अगले साल Dia अपनी university classes attend करेगी. Rewrite using future perfect tense. इसकी tense को हमें change करना है. By this time next year, Dia will have attended her university classes. He said to me, May God bless you. Turn it into indirect speech. उसने मुझसे कहा कि भगवान तुम्हें भला रखे. He wished that God might bless me. उसने ये प्रार्थना की, आशा की कि भगवान मुझे अच्छे से रखे. The cheetah is the fastest animal on the earth. Rewrite into positive degree. इसे positive degree में हमें change करना है. चीता दुनिया का सबसे तेज जानवर है. No other animal on earth is as fast as cheetah. यहाँ fast की जो degree है हमने ये change की है. यहाँ fastest था जो superlative थी और इसे हमने नॉर्मल मतलब पॉजिटिव फॉर्म में किया. हु विल सॉल्व द प्रॉब्लम चेंज द वॉइस. बाय हुम विल द प्रॉब्लम बी सॉल्व. किसके द्वारा ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी. संगीता रन्स फास्टर देन एनी अदर गर्ल इन हर क्लास. संगीता सबसे तेज दौड़ती है कंपेयर टू अदर गर्ल्स इन द क्लास. यहाँ हमारा कंपेरेटिव डिग्री दिया हुआ है. रीराइट यूजिंग पॉजिटिव डिग्री ऑफ फास्टर. फास्टर की पॉजिटिव डिग्री हमें यूज़ करनी है जो होती है फास्ट. नो अदर गर्ल इन हर क्लास रन्स एज फास्ट एज संगीता. सैमुअल ब्लेम्ड हिज फ्रेंड फॉर द ट्रबल. सैमुअल ने अपने दोस्तों को कसूरवार ठहराया अपने परेशानियों के लिए. रीराइट यूजिंग द नाउन फॉर्म ऑफ ब्लेम्ड. ब्लेम्ड का नाउन फॉर्म हमें चेंज करना है. सैमुअल गेव हिज फ्रेंड द ब्लेम ऑफ द ट्रबल. सैमुअल ने अपने दोस्तों के ऊपर ये थोप दिया कि उसकी परेशानी के जड़ वो हैं. राहुल सेड टू दीपा विल यू गो टू स्कूल टुडे. चेंज इन टू इनडायरेक्ट स्पीच. राहुल ने दीपा से कहा क्या तुम स्कूल जाओगी आज. राहुल आस्क्ड दीपा इफ शी वुड गो टू स्कूल टुडे. राहुल ने दीपा से पूछा क्या वो आज स्कूल जाएगी. They did not make a sound. They did not stir. Join using neither nor. Neither nor का मतलब होता है ना तो ये ना तो वो. उन्होंने कोई आवाज़ नहीं की ना ही उन्होंने कोई stir किया. They neither made a sound nor stirred. He is going to do the work. वो काम करने जा रहा है. Change the voice. The work is going to be done by him. ये काम किया जा रहा है उसके द्वारा. आज के इस वीडियो में भी हमने टोटल 30 क्वेश्चन आंसर्स 30 एक्सरसाइजेस को सॉल्व किया. इस वीडियोस के जैसे आपको हमारे चैनल पे डू एस डायरेक्टेड और ग्रामर पोर्शंस के अलग अलग वीडियोस मिलते रहेंगे. तो इस जैसे वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें.